याद रखना, जम्मू कश्मीर यहां पर चुनाव के माध्यम से दुनिया के अंदर जो संदेश गया है, जो ये लोग कभी राहुल गांधी के रूप में, कभी किसी अन्य रूप में जम्मू कश्मीर के बारे में, भारत के बारे में दुनिया के अंदर दुष्प्रचार करते थे, उसका जवाब जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव दे रहा है। भारी संख्या में मतदाताओं का मतदान के लिए उमड़ना चुनाव के प्रति उनके रुझान को यह दिखाता है कि उन्होंने परिवारवादी राजनीति को, विभाजनकारी राजनीति को तिलांजलि दी है और वे आज जम्मू कश्मीर के अंदर एक लोकतांत्रिक सरकार चाहते हैं और लोकतांत्रिक सरकार के माध्यम से विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की सजग प्रहरी के रूप में काम करना चाहते हैं। बहनों और भाइयों, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव और भारतीय जनता पार्टी की यहां पर वापसी, याद रखना पाक अधिकृत कश्मीर भी फिर कश्मीर का ही पार्ट होने वाला है, जम्मू कश्मीर का ही भाग होने वाला है और यही तो हलचल है पाकिस्तान में। वे अपने लोकतंत्र को बचा नहीं पाए, उनको अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है और मशक्कत करते करते आज पाकिस्तान इस स्थिति में पहुंच गया है कि वहां पे एक किलो आटा के लिए भी लाले पड़ रहे हैं। आप देख रहे होंगे भारत 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रहा है, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए हर वर्ष स्वास्थ्य बीमा का कवर देता है। जीवन ज्योति बीमा योजना हो या जीवन सुरक्षा बीमा योजना, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ दे रहा है, 10 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय का निर्माण कर रहा है, कर दिया है, 10 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना का फ्री का सिलेंडर उपलब्ध करवा चुका है। एक तरफ भारत है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, रोटी के लाले पड़ रहे हैं। स्वाभाविक रूप से भिकमंगा पाकिस्तान आज अपने आप को नहीं संभाल पा रहा है, कहीं पर पाक अधिकृत कश्मीर उससे अलग होने की आवाज उठा रहा है। वो कह रहा है कि हमें भी तो अधिकार था जम्मू कश्मीर के चुनाव में भाग लेने का और जम्मू कश्मीर के चुनाव के साथ पाक अधिकृत कश्मीर में भी, मुर्शिदाबाद में भी अगर चुनाव होता ना तो और अच्छा संदेश जाता, लेकिन संदेश आपको देना है इस चुनाव के माध्यम से।